हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। फ्रेंड्स, आयुर्वेद बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताता है जो कि हमारे जीवन को बहुत ही खूबसूरत बना सकती हैं। ऐसी ही कुछ बातें जो कि आयुर्वेद में बताई गई हैं एक प्रेग्नेंट महिला के लिए कि प्रेग्नेंट महिला के तौर तरीके प्रेगनेंसी में कैसे होने चाहिए, क्या खास बातें, कुछ ऐसी खास बातों को आज मैं बताने वाली। बातें बहुत सारी हैं लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और इजी भी होती हैं कि आप उन्हें फॉलो कर सकें और उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, बेहद जरूरी है। तो इन बातों को आप पूरा सुने, वीडियो को पूरा देखें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना जरूरी है ताकि आप हमारी वीडियोस रोज देख सकें। फ्रेंड्स, आयुर्वेद के बताए मुताबिक सबसे पहली चीज है कि मॉर्निंग में जब एक प्रेग्नेंट वुमन उठती है तो उनको थोड़ी सी सूथिंग फीलिंग रखनी चाहिए। जैसे कि आपके लॉन में, आपके बालकोनी में जहां आपने प्लांट्स लगा रखे हैं वहां पे थोड़ा बैठें। फूलों से आने वाली सुगंध आपके मन को बहुत ही अच्छा कर देती, शांत कर देती, थॉटलेस कर देती, एकदम शांत चित्त बना देती है। अगर ग्रास पे वॉक कर सकते हैं तो खाली पैर घास पे वॉक करें। अगर आपको पॉलन एलर्जी है तो आप प्लांट से दूर रहें, अदरवाइज आपकी एलर्जी एग्रीवेट हो सकती है। अदरवाइज आप प्लांट्स के बीच में, गार्डन में थोड़ा एक्सपोजर रखें मॉर्निंग टाइम में, इससे दिन भर के लिए आपका मन बहुत अच्छा रहेगा। सुबह सुबह सूथिंग सॉफ्ट म्यूजिक जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल रागास, बहुत सारी रागास हैं जैसे कि राग श्याम कल्याण, राग यमन, राग भूपाली, ऐसी बहुत सारी राग हैं जो कि आप इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं और उनको सुन सकते हैं। रागास हमारे ब्रेन पे स्पेशल इफेक्ट डालती है क्योंकि उनमें स्पेसिफिक टाइप की वेवलेंथ होती है और हमारे ब्रेन को वो हील करती है, तो रागास को आपको जरूर सुनना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कि आयुर्वेद में प्रेग्नेंट वुमन के लिए बताई है वो है वात का नियंत्रण। प्रेगनेंसी में वात दोष को कंट्रोल करना चाहिए। कैसे करेंगे? कोई मेडिसिन नहीं खाने को कहूंगी आपको, बस इतना ही आपको करना है कि जो भी खाना आप बनाते हैं इतना बनाएं कि आप एक बार में कंज्यूम कर लें। ये फ्रिज में 2-3-4 दिन तक स्टोर करना, बार बार गर्म करके उसको यूज करना प्रेगनेंसी में आप छोड़ दें, क्योंकि ये आपके न्यूट्रिशन के लेवल को, आपके दोषों को, दोनों को प्रभावित करेगा। तो फ्रेशली कुक्ड गर्म खाना और प्लांट बेस्ड फूड आपको प्रेगनेंसी में यूज करना चाहिए। ध्यान रखें, प्रेगनेंसी में कोई भी प्रोसेस्ड फूड आपको इस्तेमाल नहीं करना है, घर का बना गरम ताजा खाना खाना है। बचे हुए खाने को एडजस्ट करने की बहुत आदत होती है महिलाओं को, प्रेगनेंसी में ऐसा ना करें। तीसरी खास चीज है मालिश। मालिश प्रेगनेंसी में जरूरी है, ये आपके बहुत सारे डिस्कम्फर्ट को दूर करता है। जब प्रेग्नेंट होती है एक महिला तो कई तरह के डिस्कम्फर्ट होते हैं, कभी वॉमिट आ रही है, कभी हेडेक हो रहा है, कभी क्रैम्प हो रहा है, कभी जॉइंट पेन हो रहे हैं, ऐसी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो तिल के तेल से अपने जॉइंट्स को, अपने कंधों को, पैरों को आप मसाज कर सकते हैं, करवा सकते हैं, ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। मसाज पे मेरा एक अलग से भी वीडियो है, आप उसे भी देख सकते हैं। चौथी बात है बिहेवियर की, शुद्ध व्यवहार कहा गया है आयुर्वेद में। प्रेग्नेंट महिला को दुख, शोक, रोना, क्रोध करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, चुगली करना, ऐसी आदतों से बचना चाहिए क्योंकि सारी चीजें नेगेटिविटी की तरफ ले जाती हैं। और कहा जाता है कि जैसे ही आपने गर्भ धारण किया उस दिन से ही बच्चे के संस्कार बनना चालू हो जाते हैं, बच्चा सीखना चालू कर देता है, बच्चे की लर्निंग चालू हो जाती है। दुखी रहेंगी, रोएंगी, परेशान रहेंगी, शक करना, ऐसी अगर हैबिट्स हैं भी या माहौल की वजह से आप ऐसे हो गए हैं कि दुखी रह रहे हैं, तो भी इस समय अपने आप को मजबूत बनाइए और इन चीजों को जब आपने जान लिया तो इनसे बचें ताकि आपके बच्चे में बहुत सारी पॉजिटिविटी हो और जन्म के बाद बड़ा होकर वो एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सनालिटी बन सके। पांचवी चीज जो आयुर्वेद में कही गई है वो है गर्भ संस्कार। कहते हैं बच्चे में या किसी भी व्यक्ति में संस्कार जो है 75% गर्भ में ही बन जाते हैं। बच्चा 75% आदतें गर्भ से सीख लेता है, केवल लोक व्यवहार वो बाहर आकर सीखता है। तो याद रखें जो भी आप कर रहे हैं बच्चा वो सीख रहा है, इसीलिए बच्चे से बात करें। बच्चे को पॉजिटिविटी देने के लिए सबसे पहले माँ को पॉजिटिव होना पड़ेगा, पिता को भी माँ का सपोर्ट करना पड़ेगा और परिवार को भी प्रेग्नेंट वुमन का सपोर्ट करना पड़ेगा। तो इन चीजों को अपनी फैमिली में शेयर करें ताकि एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपकी प्रेगनेंसी में आपको मिल सके। खास तौर से आपको खुद को पॉजिटिव रहना है ताकि आप एक श्रेष्ठ संतान को जन्म दे सके। उम्मीद करती हूँ हमारी सहेलियों को ये बातें अच्छी लगी होंगी और वो कोशिश करेंगी कि इनको फॉलो कर सके। अपना ख्याल रखें, मिलेंगे अगले वीडियो में।